एसी में सब कुछ ठीक है, इंडोर यूनिट ठीक है, आउटर यूनिट का कंप्रेसर की कंडेंसर गैस वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर भी आखिर एसी कूलिंग क्यों नहीं करता? आज हमने जो साइट पर प्रॉब्लम फेस किया है वही प्रॉब्लम हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं, ताकि ये चेक कर सको कि कहीं आपके एसी में भी सेम प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। एसी सब कुछ ठीक है, यानी कि एसी में सिर्फ एक कमी है फ्रेंड, जो कि बिजली की वोल्ट, जो एसी को जितना पावर चाहिए 230 240 के आसपास, वो घर की वोल्टेज में कमी है, जिसके वजह से इंडोर यूनिट चलता है, आउटर यूनिट का फैन भी चलता है, लेकिन पावर कम होने की वजह से कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसके वजह से आपकी एसी है वो कूलिंग नहीं करता है। तो आज हम अपने घर पर पावर वोल्टेज चेक करने के लिए एक तरीके का जो मल्टीमीटर होता है उसका यूज करके आप अपने घर के वोल्टेज चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है, और एसी के डायग्राम में पढ़ सकते हो कि एसी को प्रॉपर वोल्टेज कितना चाहिए। चलिए मैं इस तरीके से आपको बिजली की बोर्ड में वोल्टेज चेक करना दिखाता हूँ। देखिए ये है बिजली के टेंशन बोर्ड, यहाँ पर मल्टीमीटर यूज करके ऑल चेक करना है। तो यहाँ पर इसके क्लिप को किसी में भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जो पॉइंट है उसको सेट करना पड़ेगा। देखिए तो मैं यहाँ पर इसको 450 वोल्ट लिखा है वहां पर सेट कर दिया। इस मल्टीमीटर को इसी तरीके से रख देता हूँ ताकि आपको भी दिखे। अब इसके जो दोनों पिन होते हैं इसको दोनों होल पे इस तरीके से सॉकेट पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 241 हमारे घर पे वोल्ट आ रहा है। इसी तरीके से चेक करिए अपने घर की वोल्टेज को, क्या आपके घर की अगर वोल्टेज जो है कम हो रहा है तो आप अपने एसी में स्टेबलाइजर लगाकर चलाकर देख सकते हैं। तो कई बार वोल्टेज ठीक से प्रॉपर एसी को नहीं मिलने की वजह से कूलिंग नहीं करता है, ठंडा नहीं होता है एसी पूरा, सब कुछ ठीक होते हुए भी। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।